छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। याद में इतना पेचीदा क्यों है? एक लम्हे में लगता है कि इसे मेरी परवाह है और दूसरे ही पल कि अजनबी और खुरदुरा हो जाता है। अब ये इसका मिजाज है या इसकी शख्सियत? इस वाक्य ने जैसे मुझे बदल कर रख दिया है, शायद इस पर भी। जाग रही हो? जी जी उठने की जरूरत नहीं है, लेट ही रहो। सुनो जी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। जिंदगी में कोई और है, बताया था ना? जी। वो अमेरिका में रहती है, उसका नाम अनीता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं भी उसके साथ अमेरिका सेटल होना चाहता हूँ, और इस हवाले से कोशिशें शुरू की है मैंने। कुछ अरेंजमेंट्स बाकी है, वो हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। किन जाने से पहले मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये जो थोड़ा सा वक्त है जो हमें साथ में गुजारना है, चाहता हूँ कि ये हम अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तुमने सुना जो कुछ मैंने कहा? मैंने इसलिए तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया था कि बाद में तुम्हें कोई शौक ना लगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई। जब हम दोनों ही नाखुश हैं और एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तो आई थिंक इस डिवोर्स से तुम्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं मूव ऑन करने का सोच रहा हूँ, तुम भी सोचो। गुड नाइट। छोड़ दिया दिल को बहलाना।
फराज, फराज, तुम सोई नहीं हो, मुझे लगा तुम सो रही होगी। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कर लेना, कल सुबह बात कर लेना, अभी तुम सो जाओ। मुझे अभी करनी है बात। बोलो। देखे, हम एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने, लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई है ना, तो ये कि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। क्या मतलब, जबरदस्ती है क्या? ठीक है, हमारी शादी जबरदस्ती हुई, लेकिन अब जबरदस्ती चलानी पड़ेगी या जैसे भी चलानी पड़े अब चला लेते हैं ना। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारी शादी कायम रहे। कैसे रह सकती है? ना तुम खुश हो ना मैं खुश हूं, कैसे कायम रह सकती है सन्नी? मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैंने जब शादी की थी तो मैंने ये सोच के तो नहीं की थी ना कि शादी के कुछ दिन बाद मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। मैंने शादी तो चलाने के लिए की थी। फिर मैं जहां से आती हूँ, जिस घर से, जिस माशरे के हिस्से से, वहां पे ये चीजें नहीं होती। ये मूव ऑन करना, इन चीजों की कोई जगह नहीं है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको जिंदगी में जो कुछ भी करना है आप कर लें, लेकिन बस आप ये शादी खत्म नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। क्या हुआ, अकेली नाश्ता बना रही? वो समीर नहीं उठी आज तो? मुझे वो बिल्कुल नजर नहीं आई, शायद सो रही है अभी तक। अच्छा, वो फराज और असफंद आ गए वॉक करके? नहीं जी, अभी तक तो नहीं आए। चलो ठीक है, फिर तुम नाश्ता लगा दो। जी क्या तमाशा है ये, इतने दिन चढ़े तक सो रही हो, उठ के नाश्ता कौन बनाएगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए उठी रही। अबे तुम अपनी माँ के घर से आई, ये कोई नया ड्रामा सीख के आई हो वहां से? ऐसी बात नहीं है, बस बहुत बुखार हो रहा है। बस कर दो ये हीले बहाने अपने। एक तो तुम जबरदस्ती हमारे सरों पे मुसल्लत हो गई हो, और ऊपर से तुम 10-10, 11-11 बजे तक सोती रहोगी, ये ना काबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। और ये ना समझना तुम्हारे कमरे में ट्रे में नाश्ता आएगा, खिदमतें नहीं करूंगी तुम्हारी मैं। चलो नीचे। क्या हुआ अम्मी? और करो इसकी तरफदारी। ठीक है, अब कमरे में ही रहना, सारा दिन आराम करना, बिल्कुल ना निकलना कमरे से। क्या हो गया? बुखार हो रहा है। क्या हो गया, चेक तो करने दो।
तुम्हें तो वाकई बुखार है, लेकिन कल रात से तो तुम्हारी तबीयत ठीक थी। मैं थर्मामीटर लाता हूँ। तेज बुखार क्यों क्या? अरे तुम रेस्ट करो, मैं मेरे को समझाता हूँ। उनसे कुछ ना कहें, पहले गुस्सा हो रही है। नहीं, तुमने अपनी हालत देखी है, तुम रेस्ट करो, मैं बता दूंगा उन्हें। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बस। सुनिए, तुम कहा चाय कहाँ है मामा? चाय कब मिलेगी? नसरीन, चाय ले आओ भाई। क्या सुबह की चाय शाम में पिलाओगी? बीमार थी तो कमरे से क्यों निकली? और निकल गई थी तो ये ट्रे पकड़ के लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो नसरीन को बोला था। हलीमा प्लीज, फराज हेल्प हर। ये अच्छा है भाई, इतना कीमती सेट मेरा टूट गया और हमदर्दियां भी सबके उसके साथ है। मैं साफ कर देती हूँ, आई एम सॉरी। रहने दो, बख्श तो बस हमें। नसरीन, चाय लेके आओ भाई और ये साफ करो। मुसीबत, जब उसकी तबीयत खराब थी तो क्या जरूरत थी उसको किचन में भेजने की? क्या हो गया आपको इलियास? आपको लगता है मैं इतनी जालिम, इतनी बेहिस हूँ? मैं तो उसके कमरे में गई थी, मैंने देखा उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैंने उसे कहा कि तुम पूरा दिन कमरे से मत निकलना, आराम करना। कट इट ऑफ प्लीज, अब फिर शुरू मत हो जाओ। क्यों ना बोलूं मैं? वो तरह तरह से बहानों से आप पे ये जाहिर करने की कोशिश करती है जैसे मैं उस पे बहुत जुल्म कर रही हूँ, उससे काम करा रही हूँ। चालाकी की भी इंतहा होती है वैसे। अरे भाई नसरीन, चाय ले आओ भाई, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आराम से, तुम्हें मना किया था तो क्या जरूरत थी किचन में जाके सारे काम करने की? ये जो तुम नेक परवीन बनने की एक्टिंग करती हो ना, जहर लगती है मुझे ऐसी लड़कियां। प्लीज ये जी भर के देखना बंद कर दो। नहीं करूंगी। अब लेटो, आराम करो, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आता हूं। बेटा, फराज को समझाओ, क्या चाहता है वो? अब मैं क्या समझाऊं, वो मेरे सामने खुलता ही नहीं है, खुल के कोई बात ही नहीं करता। बड़े भाई बनकर नहीं, दोस्त बनकर समझाओ। कुरे दोस्त है कि क्या चल रहा है उसके अंदर? हाँ ठीक है, सी यू इन द इवनिंग। ओके, अल्लाह ब्लेस। अल्लाह हाफिज। अच्छा छोड़े ना मामा, दफा करें, क्यों अपना मूड खराब कर रही हैं आप? नया सेट मेरा उसने तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया,
इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, दिल कर रहा है उसे घर से ही निकाल दूं। मामा वो बहुत फिल्मी है, आपको नहीं पता, आपने देखा नहीं, चाय की ट्रे तो किचन में भी गिर सकती थी, लेकिन नहीं, उससे तो बाबा, असफन भाई और फराज भाई की हमदर्दियां जो समेटनी थी। देखा नहीं आपने कितनी परफेक्ट टाइमिंग थी ट्रे गिरने की। और मजे की बात है, गरम चाय की एक बूंद उस पे नहीं गिरी। हाउ स्मार्ट। अच्छा छोड़े ना, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, मैंने आपको बताया था। किस खुशी में? मामा एक तो आप इस बहू के चक्कर में अपनी बेटी को ही भूल गई हैं। निजा की शादी है इस हफ्ते, मुझे शॉपिंग पर जाना है, मैंने आपसे कहा था। अब आप चले मेरे साथ या मुझे कार्ड दें, मैं खुद शॉपिंग कर आती हूँ। मैं चलूंगी। कार्ड दे दूं? मुझे जरा फराज से कोई जरूरी बात करनी है, वो कर लूं, उसके बाद देखते हैं। अभी तो मुझे इसे इस घर से निकालने के तरीके सोचने। Can't stand her. अच्छा छोड़े ना, अभी शॉपिंग की तैयारी करें, मैं जरा ड्रेसेस निकाल लूं, मैंने निकाल के रखे थे। हेलो। आप आई नहीं, आपने तो कहा था आप आएंगी। हाँ तो आज थोड़ी कहा था, एक दो दिन में चक्कर लगाऊंगी। आपकी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, उसी से मिलने के बहाने आ जाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपसे मेरी मुलाकात होगी या नहीं? शायद। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि फराज मुझे अपने मामलों से दूर रखना चाहता है। शादी के टाइम पे वो चाहता था कि मैं उसके मौकफ की हिमायत करूं, लेकिन मैंने बाबा के साथ दिया, इसीलिए अब वो मुझसे किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं लेना चाहता। लेकिन आप होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी। ठीक है। ये मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास? क्या मतलब कहाँ से आया? अपने पैसों से लिया है मैंने। पैसे कहाँ से आए? भाई अम्मा तो सवाल मत पूछा करो ना। पॉकेट मनी के नाम पे मुझे जो खैरात मिलती है ना, उसी को जमा करके लिया है मैंने। रात इतनी मिन्नत समाजत करके मैंने तुम्हारे अब्बा से इजाजत ली है कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने दे, और तो अम्मा मेरी बात सुन, मैं ना अब सिर्फ पढ़ूंगी नहीं बल्कि जॉब भी करूंगी। अम्मा तुम जो बोलोगी ना मैं वो सब करूंगी, बस मेरी एक शर्त है कि आप लोग ना मुझे मेरी मर्जी की जिंदगी गुजारने दो, और अगर नहीं गुजारने देना अम्मा तो मैं। सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया। नहीं सो नहीं रही थी। आप क्या कह रहे हैं? वीजा के लिए पेपर्स इकट्ठे कर रहा हूँ। आप तुम्हारी तबीयत कैसी है, बुखार उतर गया? आपने जो कुछ भी रात में कहा वो सच कह रहे थे तुमसे। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, ये बात मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को, दोस्तों को, सबको पहले से पता है। और जो कुछ मैंने आपको रात में कहा आपको याद है? देखो समीन, हमारी पहली मुलाकात में ही मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया था कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, बताया था कि नहीं? मैं अपने वादे से मुकरने वाला इंसान नहीं हूं। मैं और अनीता एक दूसरे को 1.5 साल से जानते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये तो पता नहीं कहां से ये हादसा आ गया और हमारी शादी हो गई।
और ये मेरी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं रखा ताकि तुम। फराज बाबा, वो हलीमा बाजी आपको बुला रही हैं। ठीक है, आप जाए, मैं आता हूँ। जी फराज, मेरी एक बात सुन ले। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी ना। मेरे लोगों ने इतनी बातें बनाई, अब अगर छोड़ दिया तो मुझे नोच खाएंगे सब। मैं समझती हूँ ठीक है, आपको बाहर जाना था, आपके कमिटमेंट थे, लेकिन फिर आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर किसी मजबूरी के तहत कर ली तो प्लीज अब मेरे साथ ऐसा मत करें। ऐसे मैं ऐसे क्या करूं, मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी ना। मैं आपको रोक तो नहीं सकती, लेकिन अब भी अगर आपको मुझ पर रहम नहीं आया तो झूठे सब अफसाने अपने सब बेगाने होगा क्या दिन खुदा जानता। छोड़ दिया जी। अम्मी, अम्मी मुझे बुलाकर आप खामोश क्यों हो जाती हैं? वो तुम्हारे बिस्तर पे सो रही थी। क्यों? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती, तुम उसके साथ शादी खत्म करना चाहते हो, और दूसरी तरफ उससे हमदर्दियां भी करते हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। जो मैं देख रही हूँ वो तो ये है कि तुम्हारे बाबा जरा सी तुमसे उसके बारे में बात करते हैं और तुम्हारा झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। कम ऑन अम्मी, अब ये जरूरी तो नहीं है कि मैं सुबह शाम उसे जलील करता रहूं या उसे लड़ाइयां करता रहूं। हो गई है शादी, आ गई है वो इस घर में, रह रही है यहाँ पे, और वो ऊपर से मेरे सारे काम भी कर रही है। अब इसके बदले में मैं उसे जरा आराम से पेश आऊं या तमीज से बात करूं, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि औरत इस तरह के सारे इशारों और सारी बातों को मर्द की मोहब्बत समझने लगती है। वो समझती है कि उसके मर्द ने उसे देखना शुरू कर दिया, उस पे तवज्जो देनी शुरू कर दी है, और फिर वो उस पे हक जताने लगती है। हक जताते जताते वो उसके सर पे चढ़ जाती है। मैंने उसे बता दिया कि मैं नीता से मोहब्बत करता हूं और अमेरिका चला जाऊंगा उसके साथ, और ये भी बता दिया है कि जाने से पहले मैं उससे अपने सारे रिश्ते खत्म करके जाऊंगा। क्या तुमने सब कुछ बता दिया? जी। फिर क्या कहा उसने? जो उसे कहना था। अब बहुत परेशान सा हूं क्या मम्मी? बताओ तो सही, कहा क्या उसने? कहा कि तुम्हें जो करना है तुम करो, आपको जहां जाना है आप जाएं, लेकिन मेरे साथ ये रिश्ता खत्म ना करें, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं उलझ सा गया हूं अम्मी, मुझे पता नहीं उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करना चाहिए या नहीं। देखा, यही तो थी उसकी चाल, और तुम आ गए उसकी बातों में। नहीं नहीं अम्मी, मैं उसकी बातों में नहीं आया हूँ, और ना ही मैंने अपना कोई इरादा बदला है, और ये मैं उसकी हमदर्दी में नहीं कह रहा।
मैं आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो भी एक इंसान है और ऊपर से एक लड़की भी है। मैं वीजा के पेपर्स फोटोकॉपी करने जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? लाफ़स। कहीं जा रहे हो? क्यों, आप क्यों पूछे, कोई काम है आपको? अरे काम है भैया, बात करनी है। बैठो। बता क्या काम है? तुम्हें पता है मैं और बाबा तुम्हारे लिए परेशान है। अब आप परेशान हैं? शादी से पहले जब मैंने आपसे कहा था कि मेरी हेल्प करे, पापा को मना करे कि मेरे साथ वो ये जबरदस्ती ना करें, तब तो आपने उनकी साइड ली, मेरी एक भी नहीं सुनी, अब आप परेशान हैं? अरे यार, तुम अब तक उस बात को दिल से लगा के बैठे हो। दिल से लगा कर नहीं बैठा भाई, मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप और बाबा एक ही पेज पे। आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और अब देखें मैं अपनी अम्मी और अब अपनी अनवांटेड बीवी के बीच में सैंडविच बन के रह गया। कम ऑन यार, रिलैक्स, इतनी हार्श बातें मत करो, तुम पे जज नहीं रही। जज तो मुझ पे शादी भी नहीं रही थी भाई, लेकिन अब देखें हो गई। खैर अब जब हो गई है तो प्लीज मुझे इसे अपने तरीके से हैंडल करने दे, अब बीच में डिफेयर ना करे प्लीज। ओके फाइन। ये लीजिए, सलमान का फोन आया था दफ्तर से, पूछ रहा था कि आप दफ्तर जाना कब शुरू करेंगे। क्यों, तुम्हें पैसों की तंगी हो रही है? ये मेरा यूं घर में बैठना तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं इसलिए नहीं कह रही थी। आपको कहाँ आदत थी घर में बैठने की, लेकिन जब से वो वाकया हुआ है ने लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ रोजाना। हाँ, लोगों की तंजिया सवाल ये नजरें छुपती हैं, सो छुपती। अब तो उसकी शादी हो गई है, इंशाल्लाह लोग ये सब बातें भी भूल जाएंगे। मरियम, तुम्हें क्या लगता है कि जब हमारी इकरा की शादी की उम्र आएगी साल दो साल में, तो क्या जब तक भी लोगों को याद होगा ऐसा कुछ? आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इकरा की शादी के वक्त तक यकीनन हालात बदल चुके होंगे। अल्लाह करे कि ऐसे ही। सुने, मैं एक बात सोच रही थी, जब से समीन की शादी हुई है आप एक मर्तबा भी नहीं गए उसकी तरफ, और मुझे भी नहीं जाने दिया। मैडम, तुम्हें नजर नहीं आता, शादी के बाद से आज तक हमारा दामाद एक मर्तबा भी हमारे घर नहीं आया, और जब एक बार आया तो अपनी बीवी को बाहर छोड़ गया, फिर बाहर से लेके चला गया। अरे वो तो वो, उनका कोई घर वाला हमसे आज तक मिलने नहीं है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि वो हमसे कोई ताल्लुक, कोई मेल जोल रखना नहीं चाहते। लेकिन आपकी उसके ससुर से तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, बड़ी इज्जत करने लगे थे आपकी, उन्हीं के बहाने हम अपनी बेटी के घर चले जाते। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी, मुझ जैसा सफेद पोश आदमी खैरात की तरह उनसे रिश्ता मांगने उनके दरवाजे पे गया था, और मेरी सफेद पोशी पे उनको तरस आ गया था, बस। ये कोई मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता नहीं था, तरस और खैरात का रिश्ता था, बस। इसीलिए नहीं जा सकता अपने बेटी के घर।
तुम भी आंदा है बात मुझसे दोबारा मत करना। आ जाए। अच्छा हुआ आप आ गए, आज मुझ में जरा हिम्मत नहीं है, आप कमरा समेट देंगे? हाँ हाँ वो तो मैं देख लूंगी, फिक्र ना करें, लेकिन बाहर आपसे को मिलने के लिए आया। मुझसे? हाँ हाँ। कौन? ओ हरी, मैं वो बोल रही थी कि वो आपकी दोस्त है। अम्मी कहाँ पर है, उन्हें पता है वो आई है? वो तो घर पर नहीं है, अनिला बाजी के साथ शॉपिंग पर गई है। आप एक काम करें, उससे कहें कि मैं घर पर ही नहीं हूं। वो माफ करना, वो तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप घर पर ही हैं और आपका इंतजार भी कर रही हैं वो। ऐसे क्या देख रही हो? मैं हूं तुम्हारी दोस्त हरीम, मुझे गले लगा के अपने इतने बड़े घर में वेलकम नहीं करोगी? माफ कर दो यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं गधी हूं, बहुत बेवकूफ हूं, तुम्हारी शादी वाले दिन तुमसे आके लड़ ली, सॉरी। तुम्हें पता है उस दिन से इस बात को मैं सोच रही हूँ, और जब जब मैंने इस बात को सोचा है, मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आया ना, इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। आई एम सॉरी प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा हुआ जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। हाँ ना, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ समीन, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी दोस्त, लेकिन अब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से फौरन चली जाओ और यहाँ आने का वापस कभी सोचना भी मत। ऐसे क्यों कह रही हो? राज को पता चलेगा ना कि तुम यहाँ पर आई थी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं चाहते कि मैं तुमसे कभी भी मिलूं। वो अंकल आंटी की तो खैर है, ठीक है, बड़े हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये फराज, इसको क्या प्रॉब्लम है मेरे आने से? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? तुम्हारी खाते तुम्हारे लिए मैं फराज से मिलने गई थी। मिलने गई थी? फराज देखो, तुम उसकी वाइफ बनके इतने बड़े घर में उसके साथ जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हारी बातों से अब जलने की बू आ रही है मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो, जो हुआ ना, मैंने उसको किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लिया, और मुझे तुमसे और फराज से अब कोई शिकायत नहीं। आई थिंक जो हुआ वो ऐसे ही होना था। मैं बेवकूफ हूँ, जब तुम्हें और फराज को मेरी दोस्ती की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने ऐसी नेगेटिव बातें सोच ली। बट नाउ आई एम बैक, और अब मुझे मिसेस फराज के घर की शानदार सी कॉफी पीनी है, और मिस्टर एंड मिसेस फराज के बेडरूम को देखना है, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए ये गिफ्ट लेकर आई, देखो, और इसे मैं अपने हाथों से तुम लोगों के बेडरूम में रखूंगी, वेडिंग गिफ्ट। अच्छा लग रहा है ना, नए शादीशुदा कपल्स के रूम में इस तरह के शोपीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बेड के राइट साइड से उतरती हो या लेफ्ट साइड से? शुरू हो गए तुम्हारे बेटू के सवालात। बेटू,
मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, अब बुरा लगा तो आई एम सॉरी। वैसे तुम मुझे कुछ ज्यादा खुश नहीं दिख रही हो, ये बात है। फराज अमेरिका जाना चाहता है। मुझे पता है वो क्यों जाना चाहता है। अनीता, यही नाम है ना उसका? तुम ये सब कैसे जानती हो? फेसबुक पे देखा था फराज के, उसकी हर पिक्चर को लाइक करता। वो कोई कमेंट करती है तो उस पे वो हार्ट वाला इमोजी होता है ना, वो बनाता। वो कोई फजूल सा स्टेटस भी अपलोड करती है तो उसकी भी तारीफें कर रहा होता। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे फराज ने बताया था। So sorry, समीर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे यहाँ बहुत खुशबाश मिलोगी और तुम्हारी खुशी देखकर मैं भी खुश हो जाऊंगी, पर तुम तो छोड़ दिया, देखो यूं।